गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सेंटेंस जैसा कि हमें पता है, तीन प्रकार के सेंटेंस रहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम में अधिकतर अफर्मेटिव सेंटेंस यदि दिया है तो निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में बदलना पड़ता है। यदि निगेटिव सेंटेंस दिया है तो हमें उसे अफर्मेटिव में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदलना पड़ता है, और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है तो या तो उसे अफर्मेटिव में या उसे निगेटिव में हमें बदलना पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। आइए देखिए, हेडिंग है अफर्मेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना, निगेटिव सेंटेंस में बदलना। जब हमें कोई भी सेंटेंस दिया है और यदि वह अफर्मेटिव है, मान लीजिए हमें सेंटेंस दिया गया है ही लर्न्स इंग्लिश, ये हमें एक सेंटेंस दिया है ही लर्न्स इंग्लिश, और डायरेक्शन लिखा हुआ है चेंज इनटू निगेटिव, चेंज इनटू निगेटिव, ये इस प्रकार से डायरेक्शन दिया गया है। तो हम कैसे बदलेंगे इस पर देखेंगे। जो भी हमें सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस का हमें सबसे पहले देखना है वर्ब क्या है, वर्ब क्या है। जब यदि हम पता चल रही है कि वर्ब क्या है, फिर हमें करना है वर्ब का रूप, वर्ब का फॉर्म क्या है। पहले हम क्या देखेंगे कि वर्ब क्या, फिर हम क्या देखेंगे वर्ब का रूप, यानी कि वर्ब का फॉर्म कौन सा है। हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल सकता है तो क्या करेंगे हम, डू नॉट प्लस वर्ब लगा देंगे। हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल सकता है तब हम क्या करेंगे, डिड नॉट प्लस सेकंड फॉर्म लगाएंगे। हो सकता है हमें वर्ब में एस या एस मिले तब क्या करेंगे, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखेंगे। यहाँ पर यदि हमें सेकंड फॉर्म मिलता है तब हमें क्या करना है, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पहले हम देखेंगे वर्ब क्या है, फिर हम देखेंगे वर्ब का फॉर्म या वर्ब का रूप क्या है। यदि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है तब आप डिड नॉट डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यदि सेकंड फॉर्म मिलता है तब डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यदि वर्ब में एस या एस मिलता है तब डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेंगे। हो सकता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब मिले, क्या मिले हमें हेल्पिंग वर्ब, तब क्या करेंगे हम, जो हेल्पिंग वर्ब मिली है उसी के बाद में हम नॉट रखते हैं। तो हमें इतनी कंडीशन मिलेंगी, सबसे पहला काम हुआ जो भी वाक्य दिया है उसमें हमें वर्ब देखनी है, वर्ब कौन सी है। तो देखो वर्ब में हमें मेन वर्ब हो सकती है या फिर एच भी हो सकती है, क्या हो सकती है, मेन वर्ब या एच भी। यदि मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है तो क्या करेंगे, वर्ब का रूप या फॉर्म क्या है। यदि फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट प्लस वी वन, सेकंड फॉर्म है तब डिड नॉट प्लस वी वन, वर्ब में एस एस है तब डज नॉट प्लस वी वन। यदि हमें एच भी दी गई है तब क्या करना है, हमें एच भी के बाद हमें नॉट लगा देना। अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, इस सेंटेंस में क्या लिखा, ही लर्न्स इंग्लिश, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है लर्न्स, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है तो क्या करना है हमें, वर्ब में एस है एस है तब हम क्या करेंगे, डज नॉट प्लस वी वन रख देंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, और जो एस लगा है उसको हम हटा देंगे, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश।
जी सेंटेंस में हो गया। एक बार फिर से देखेंगे, ही लर्न्स इंग्लिश, ये आखिर में जो सेंटेंस है इसे हम निगेटिव सेंटेंस में बदलना चाहते हैं। तो पहला काम क्या होगा, जो भी सेंटेंस है उसकी वर्ब देखना, वर्ब क्या है उसका। वर्ब हमें दो प्रकार से मिल सकती है, या तो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। यदि मेन वर्ब है तब क्या करेंगे, वर्ब का रूप क्या है ये पता करेंगे। तो वर्ब के रूप में या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म है तब डिड नॉट प्लस वर्ब लगाना। सेकंड फॉर्म हो सकता है तो डिड नॉट प्लस वर्ब लगाना। वर्ब में एस या एस हो सकता है तब डज नॉट प्लस वर्ब लगाना। हो अब हमें यदि मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब दी गई है, हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देना है। जैसे ये सेंटेंस था, ही लर्न्स इंग्लिश, इसमें वर्ब क्या थी, लर्न्स, कौन सा रूप है, एस फॉर्म में। तो हमने क्या किया, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश। अब हम देख कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, यू टेक टी, यू टेक टी, ये एक सेंटेंस है, यू टेक टी, इसको हमें चेंज करना है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, टेक। टेक वर्ब का कौन सा फॉर्म है, टेक है मेन वर्ब, मेन वर्ब है तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप क्या लिख दोगे, यू डू नॉट टेक टी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दे प्लेड, दे प्लेड चेस, जी नेक्स्ट एग्जांपल है, दे प्लेड चेस। इसमें हम निगेटिव बनाएंगे तो वर्ब का रूप वर्ब देखेंगे, वर्ब है प्लेड, ये मेन वर्ब है, कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म में तो क्या करना है, दे डिड नॉट, दे डिड नॉट प्ले चेस। नेक्स्ट देखते हैं, ही कम्स हियर, ही कम्स हियर, इस बात को निगेटिव बनाना। वर्ब क्या है, वर्ब है कम्स, कौन सा फॉर्म है वर्ब का, एस फॉर्म है। एस फॉर्म में तो क्या करना, डज नॉट धन भीवन, ही डज नॉट, एस हटा देंगे, कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही वाज कमिंग, ही वाज कमिंग हियर, इस बात को हमें निगेटिव बनाना। तो हम इसमें वर्ब देखेंगे, हम देखते हैं जो वर्ब है ना, बाज है, बाज क्या है, बाज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है तो क्या कर देते हैं, हम नॉट लगा देते हैं, ही बाज नॉट कमिंग हियर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो अफर्मेटिव सेंटेंस दिए गए थे उनको हमने किसमें बना लिया है, उन सभी को हमने निगेटिव सेंटेंस में बदल दिया है। इस प्रकार से यदि एग्जाम में कोई भी सेंटेंस आए और हमने देखा कि वो अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में, निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें नो नॉट या नेवर होगा, यदि ना तो क्वेश्चन मार्क है ना ना ही नॉट है तो वो अफर्मेटिव ही होगा, अफर्मेटिव है तो निगेटिव बदलता है। तो इस प्रकार से हम वो इन्हीं जो हमने यहाँ नियम बताए हैं उस प्रकार से हम बदल सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा, वीडियो देखने के लिए